हाय फ्रेंड्स, तो आज की ये डिलिशियस रेसिपी है भिंडी मसाला, लेकिन ये है बिल्कुल ड्राई भिंडी मसाला की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी। भिंडी की किसको नहीं पसंद है, भिंडी बहुत ही लाजवाब लगती है, चाहे पराठे के साथ खाई जाए, रोटी के साथ खाई जाए, या दाल चावल के साथ एज अ ड्राई सब्ज़ी आप इसे सर्व करें, इसका अपना एक अलग ही मज़ा है। तो शेयर करूँगी आज ये रेसिपी आपके साथ। सोनिया बाटन चैनल, और मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी, शेयर करूंगी जिसे आपके साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक जरूर से दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर से क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज आपको मिल जाए अपलोड करते ही। तो बस बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं ये मजेदार सी रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये आधा किलो भिंडी ली है, जिसको अच्छे से धोकर सुखा लिया है। इस तरीके से भिंडी का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। भिंडी को अच्छे से सुखा लें और उसके बाद बस भिंडी को आपको काट के तैयार करना है। किस तरीके से काटना है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं भिंडी कट करने के लिए, या तो आप एक एक भिंडी लेकर भी काट सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस तरीके से लाइन अप करके भिंडी को इसके दोनों एजेस पहले कट करके और उसके बाद इस तरीके से 1 सेंटीमीटर के करीब आप पीसेस में इसको कट कर लें। थोड़ा बड़े साइज़ भिंडी का मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि भिंडी इवेंचुअली पकाते हुए जब सॉफ्ट हो जाए तो टूटने ना लगे और ये पीसेस जो हैं इस तरीके से अपना शेप जो है वो रिटेन करें, तो इसलिए मैंने इस तरीके से काटी है। लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस है, आप छोटे साइज़ में भी कट कर सकते हैं भिंडी को। तो बस इस तरीके से एजेस को कट करने के बाद इस तरीके से आप ढेर सारी भिंडी को इकट्ठे लाइन अप करके भी आराम से काट सकते हैं। इससे प्रोसेस जो है बस थोड़ी सी फास्ट हो जाती है भिंडी को काटने की। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये बिल्कुल इक्वल साइज़ के पीसेस कट कर तैयार कर लिए हमने, और अब इस तरीके से सारी जो भिंडी है वो हम काट कर तैयार करके रख लेंगे। तो भिंडी ये हमने काट कर तैयार कर ली है, इसको अब रखते हैं साइड पर। और पहले हमें गरम करना है एक तेल, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है एक, और इसमें 3 टेबलस्पून के करीब तेल को गरम कर लिया, जिसमें सबसे पहले भिंडी को फ्राई करेंगे हम। तो ये भिंडी डाल दी है मैंने इसमें, और अब इसको हम करेंगे स्टर फ्राई। फ्लेम मैंने रखा है यहाँ पर मीडियम, और इसको एक बार पहले अच्छे से चला लेते हैं हम। तो भिंडी स्टर फ्राई करते टाइम आप उसको ज़्यादा चलाएं ना, एक बार आप इस तरीके से चला दें, और उसके बाद थोड़ी सी जब भिंडी फ्राई हो जाए उसके बाद उसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ रही हूँ मैं। इससे जो भिंडी की चिपचिपाहट होती है, जो स्लाइम निकलता है भिंडी में से, वो बिल्कुल कम हो जाता है, कट जाता है। तो कोई भी खट्टी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, या तो योगर्ट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कई लोग, मैंने यहाँ पर नींबू के रस का इस्तेमाल करा है। और अब भिंडी को जब तक स्टर फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन हमारी अच्छी भिंडी नहीं हो जाती। तो जब तक हमारी भिंडी पक रही है तब तक हम यहाँ पर एक ब्लेंडर जार में ले लिए मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ, 2 टेबलस्पून फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, और साथ में ये 2-3 साबुत लाल मिर्चें, और इसको ब्लेंड कर लेना है दरदरा सा, इस तरीके से एक मिक्सचर तैयार कर लेना है जिसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो कोकोनट, रेड चिली और लहसुन का ये मिक्स है जो बहुत ही बढ़िया टेस्ट ऐड करेगा इस भिंडी में। तो भिंडी हमारी हल्की जैसे सुनहरी हो गई है, इसको थोड़ा साइड पे कर दिया मैंने, और 1 टेबलस्पून तेल को यहाँ पे गरम कर लेंगे, और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सरसों, साथ में इसमें डालूंगी 1/8 टीस्पून के करीब हींग, और हल्का सा इसको भून के इसको भिंडी के साथ हम मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो उसको पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ओवर कुकिंग से, क्योंकि हमने पहले भिंडी को अच्छा काफ़ी देर स्टर फ्राई करा है, तो उसमें जो है जीरा जो है कड़क होने लग जाता है, फिर वो बढ़िया टेस्ट नहीं करता है भिंडी के साथ, इसलिए मैंने साइड में उसको कुक करके फिर मिक्स करा है। और जैसे ही आप इसको मिक्स कर दें उसके बाद आप इसमें डाल दें 2 मीडियम साइज़ की फाइनली स्लाइस की हुई प्याज। तो प्याज जो है भिंडी में बढ़िया टेस्ट करती है, तो प्याज ज़्यादा डाली जाती है, तो 2 प्याज इसमें हमने स्लाइस की हुई डाल दी है। और अब इसको जब तक पकाएंगे जब तक प्याज जो है हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती, थोड़ा कच्चापन प्याज का ना चला जाए तब तक। तो ये प्याज मैंने पका लिया, आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट नजर आ रही है, बिल्कुल ट्रांसलूसेंसी हमारी प्याज हो गई है, मतलब कि इसका कच्चापन अब चला गया है। तो अब इसके अंदर जो हमने कोकोनट, लाल मिर्च और लहसुन को पीसा था वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नमक जो है बिल्कुल आखिरी में डालना है, भिंडी में नमक पहले नहीं डालेंगे हम। तो बाकी के जो मसाले हैं वो हम डाल लेते हैं अब, जैसे कि 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करा है, और 1/2 चम्मच ही हल्दी, और सब मसालों के साथ अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप।
अच्छे से इसको मिक्स करें कि सारा मसाला जो है वो अच्छे से कोट हो जाए। और बस अब हम इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे, 5-6 मिनट के करीब, जब तक कि भिंडी जो है हमारी कम्प्लीटली पक नहीं जाती। तो अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है। जब भिंडी हमारी अच्छी पक जाएगी, थोड़ा सा डार्क इसका कलर हो जाता है जब पक जाती है, ये देखिए इस तरीके से कुछ, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1/2 चम्मच अमचूर और 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम ही गरम मसाला। और बस अच्छे से इसको करें हम मिक्स, और 1-2 मिनट इस तरीके से हम पकाएंगे इसको, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है मसालेदार सी ड्राई भिंडी की सब्ज़ी सर्व करने के लिए। तो ये बिल्कुल मसालेदार सी एकदम सूखी भिंडी की सब्ज़ी प्याज के साथ बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। भिंडी मसालेदार सूखी, पराठे के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब लगती है। आप चाहें तो इसमें करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं फॉर दैट वंडरफुल अरोमा, अगर आपको पसंद है तो। बहुत ही मज़ेदार बनकर आती है। कोकोनट का जो माइल्ड सटल सा फ्लेवर है इसमें वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बस ट्राई कीजिए इस डिलिशियस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार बनकर आती है। एक बार आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। डू ट्राई दिस रेसिपी आउट एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस, योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा और साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मेरी नॉनवेज रेसिपीज़ के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है सोनिया बाटन नॉनवेज किचन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।